वालेकुम फ्रेंड्स तो आज है फ्राइडे तो यहाँ पर मैंने आज मटन लेकर आया था बहुत दिन हो गए थे मटन नहीं लाई थी तो सोचा आज मटन बना दूँ तो आज मैंने मटन का जो है ना इस कुकर में मटन दो प्याज़ा बनाया है और इसकी रे, रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ पहले इसलिए मैंने अभी आपको पूरा उसका वीडियो नहीं बताया क्योंकि मैंने शायद से दो बार ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ तो मैं इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप जाके मेरा जो इनबॉक्स है वो जाकर चेक कर सकते हैं वेलकम फ्रेंड्स टू नाश किचन जनाये कैसे आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे लिए ना बहुत स्पेशल करके दिया है तो मैं आपसे आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कि आज क्या है आज क्यों मेरे लिए इतना खास दिन है कि बहुत दिन से मैं सोचती थी कि मैं एज ए हाउस वाइफ हूँ और मैं यूट्यूब पे भी आई हूँ क्या मैं कुछ प्रोफेशनली यूट्यूब का करूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती थी कि मेरा भी कुछ अपना सेटअप हो तो फाइनली वो आज हो गया है तो इनशाला मैं आपसे वो आगे ब्लॉग में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ तो आपको तो पता ही चल जाएगा और अभी मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि जो सेटअप हमने डाला है आज उसकी ओपनिंग है तो उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे फ्रेंड्स को उनको इनवाइट किया है तो ज्यादातर जो है, जैन सी है इनके फ्रेंड है मेरी ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि छोटा सा फंक्शन करना है बस उसके लिए मुझे खुद को रेडी होकर जाना है क्योंकि जो भी ओपनिंग है वो मैं खुद के हाथ से ही करने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए तो मैं ही ओपनिंग करूंगी तो उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो अभी जा रही हूँ मैं तो आज सोची कि साड़ी पहनना है तो बहुत दिन हो गए थे साड़ी भी नहीं पहनी हो तो फाइनली फिर आज अच्छा, मुझे साड़ी पहनना है क्योंकि एक्चुअल में मुझे साड़ी इतनी खास पसंद नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड को साड़ी बहुत पसंद है उनको मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ और बहुत अच्छे तो मैं साड़ी पहनते तो मुझे आती है नहीं तो मेरी फ्रेंड आकर मुझे वो पहनाएगी तो उसके लिए तैयार होना है तो अभी अदियाना आया है अभी मैंने उसको खाने के लिए दिया है स्कूल से भी आया है वो तो आज फ्राइडे है तो मैंने अभी मटन का ग्रेवी मैंने बनाया था मटन दो प्याजा तो अभी आदय को भी मैंने वो खाने के लिए दिया है वो अभी साढ़े चार बजे आया है तो अभी पांच बज रहे हैं तो मैंने उसको फ्रेश किया और उसको खाने के लिए दिया अभी मैं आई उधर मेट्रो में तो सोची कि पहले से थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ आप सबसे शेयर करती हूँ क्या आज क्या है मैं आज क्यों तैयार होने वाली हूँ तो ओपनिंग छह तो बजे का ओपनिंग हमने रखा है अभी पांच बज रहे तो मेरे पास एक घंटा है एक घंटे में हम तैयार होंगे ये भी तैयार हो रहे हैं अभी वो वॉशरूम गए हैं तो वो वहाँ से आएंगे तो उनके भी मैंने कपड़े निकाल के रखे वो भी तैयार हो जाएंगे अध्ययन को भी मेरे को तैयार करना है अभी वो खाना खा रहा है तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ तो तक के लिए बाय बाय टेक केयर तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ गए और आप देख सकते हैं कि हम लोग ने कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है तो ये सब बलून्स और इस तरह से रिबन लगाया है क्या जैसे सब गेस्ट आ जाएंगे तो हम लोग फिर ओपनिंग स्टार्ट करेंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका लुकआउट दिखा लेती हूँ क्या बाहर से हम लोग ने किस तरह से इसको डेकोरेट किया है तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये सब देखने में बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड के चाचा भी आए थे ओपनिंग के लिए और ये मेरे फिर ससुर लगते हैं तो हम लोग इनका ही वेट कर रहे थे ओपनिंग के लिए तो इनको आगे जाना था और उनके पास टाइम नहीं था उनको आगे भी बहुत सारे काम थे तो वो बोले कि बेटा मैं चले जाता हूँ आप बाद में ओपनिंग कर लेना तो मुझे सही भी नहीं लग रहा था कि अब वो चले जाए और फिर उसके बाद हम लोग ओपनिंग करें तो हमको वही उनको कन्विंस कर रहे थे कि अब बाद में कोई भी आए लेकिन आप आ गए हमारे लिए वही काफ़ी है आप है तभी हम लोग ओपनिंग कर देते तो वो वही थे कि अभी तक गेस्ट नहीं आए और आप लोग ओपनिंग कर रहे हो तो हम बोले कि आप आ गए तो हम लोग के लिए इतना ही काफी है तो फिर यहाँ पर हम लोग ने ने तीनों माशाल्लाह से मिलकर से ओपनिंग की बहुत अच्छा लगा चाचा ने बहुत सारी दुआएं दी और बहुत खुशी हुई उनके आने से जगमगा

अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स तो ये नेक्स्ट डे है जो जिस दिन ओपनिंग हुई थी ना उसके दूसरे दिन का ये वीडियो है तो मैंने ये दोनों वीडियो को फिर ज्वाइन करके ही एडिट कर दिया क्योंकि एक्चुअल में क्या होता ना रात को हम लोग इतने थक कर आ गए थे आ, हम लोग को शॉप में से निकले तक ही ग्यारह बज गए थे और घर पर आने के लिए ऑलमोस्ट साढ़े ग्यारह हो गए थे तो मैं फिर ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बहुं ज़्यादा एक एक करके लोग आने लगे थे ऑफिस सबका नाश्ते का भी इंतज़ाम था तो वो भी मुझे देखना पड़ रहा था और शाम को है ना बाहर मार्केट ना फ्राइडे था तो उसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था तो माशाल्लाह से ना ओपनिंग के लिए बहुत सारे लोग भी आए थे और जो है ना न्यू न्यू लोग जो है इंक्वायरी के लिए भी आ रहे थे तो वो भी मैं थोड़ा सा अटेंड कर रही थी तो मुझे शूट करने के लिए हो हो ही नहीं पाया तो फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया तो फिर मैं ये आज का जो नेक्स्ट डे उस दिन से मतलब अपना आ, और अभी ना मैं आपको ना प्लांट का बता रही थी कि मैंने कल उसको पानी डालना भूल गई थी तो फिर मैंने आज लेट ही सही लेकिन उसमें जो है ना पानी डाल दिया और यहाँ पर है ना ये ये फ्लावर है ना योगेश भाई ने और प्रवीण भाई ने लाया था हम लोग के लिए तो फिर थैंक यू फॉर दिस फ्लावर और अभी यहाँ पर है ना मैं इतनी लेट हो चुकी थी क्या जो मेरी दीदी है ना वो भी सब किचन वगैरह क्लीन करके और बर्तन वगैरह धोकर चले गए थे और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है ना सब डस्ट जमा हो गया था यहाँ पर है ना तो मुझे ये सब क्लीन करना है लेकिन अभी क्या अध्ययन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं सोची कि चिमनी और ऊपर का जितना भी सेक्शन है ना तो एक बार अध्ययन के एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर मैं क्लीन करूँगी और मैंने जो है ना इनको क्लीन करने के लिए ना नमेज़ोन से ना एक क्लीनर मंगाया जो मैं आपको दिखाती हूँ तो जिसके बारे में ना मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि इससे जो है ना चिमनी वगैरह जो है ना जो एग्जाम फैन होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है आपको ज़्यादा घसना वगैरह नहीं पड़ता है तो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया मैंने इसको पहली दफ़ा ही मंगाया है तो मैं ये पहले आपको ओपन करके बताती हूँ फिर उसके बाद में उसका जो भी रिव्यू रहेगा वो इन ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इस तरह का जो प्रोडक्ट है मैं भी पहली बार ही मंगाई हूँ तो मैंने इसके वीडियोज़ देखे थे उसके बाद फिर मैंने जाकर इसको ऑर्डर किया है तो इस पर ना ये मुझे ना अमेज़न से वन फोर नाइन में मिला था और उस पर जो एम है ना कुछ ऐसे वन नाइन नाइन है तो पहले मैं इसको ओपन करके आपको बताती हूँ क्या ये कौन सा स्प्रे है उसका नाम क्या है और फिर उसके बाद जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो वो भी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी अभी से है ना मैं अपने ना आंखों के सामने ही रखूँगी क्योंकि मैं अगर उसको ऊपर उठाकर रख दी ना तो मैं उसको ना यूज़ करना भूल जाऊँगी और यहाँ पर है ना ये फ्रूटी की बोतल में मैंने जमजम का पानी रखा है तो इसको भी यूज़ करना और पीना हम लोग भूल जाते हैं तो इसलिए मैंने इसको सामने रखा है और आज मैं ना खाना नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना आज बिरयानी खाने का मन कर रहा था और वो भी ना घर की नहीं मुझे जो है ना हम लोग के इधर कैटर्स की इधर बहुत अच्छी अच्छी बिरयानी मिल जाती है तो वही लेने के लिए मैं आई थी तो पहले मैं सोची कि मैं मेरे हस्बैंड को ले लूँ और फिर उसके के बाद में हम दोनों मिलकर लेने के लिए जाएंगे तो मैं उनका ही वेट कर रही थी कि वो आए फिर हम दोनों साथ में फिर बिरयानी लेने के लिए जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बिरयानी लेने के लिए और आज है न यहाँ का जो क्लाइमेट है ना इतना गंदा सा हुआ रखा है ना क्या हुआ है ना कि बारिश की जैसा क्लाइमेट हो गया एकदम से बदली आ गई है और लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिसंबर का महीना चालू है इतना गर्म हो रहा है ना और ऊपर से ये जो बदली आती है ना तो पता नहीं इस तरह के क्लाइमेट में मुझे इतनी सांस लेने की प्रॉब्लम होती है और एकदम सफोगेशन सा फ़ील होता है तो खैर अभी हम लोग पहुँच गए हैं बिरयानी लेने के लिए तो ये जो कैटर इनसे हम लोग हमेशा शोरमा वग़ैरह लेते हैं तो इनसे पहचान हो और यहाँ पर अध्ययन हमेशा आता है और इन लोगों के वो भी अध्ययन बहुत ज़्यादा पसंद है ये लोग बहुत प्यार करते हैं अध्ययन से तो जब भी इनसे शोरमा लेते हैं तो लोग एक्स्ट्रा दे देंगे या तो फिर जो ग्रिल चिकन है वो उसको एक्स्ट्रा दे देंगे और कभी भी मतलब कुछ भी लो तो वो अध्ययन के लिए हमेशा एक्स्ट्रा देते तो वही आज ये पूछ रहे थे कि अध्ययन नहीं आया तो हम लोग उनको वही बोल रहे थे कि अध्ययन आज स्कूल गया है तो वो शाम को ही आएगा तो खैर फिर अभी हम लोग ने पार्सल ले लिया और अभी हम लोग निकले घर की तरफ और अभी हम लोग घर पे आए और जैसे ही घर पे आए ना तो पता नहीं लाइट कैसे चले गई थी हम लोग के यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं जाती पर पता नहीं आज कैसे गई तो मैं भी आ जाएगी पाँच या दस मिनट में शायद से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ना इनके लिए भी एक वॉच ऑर्डर किया था जो स्मार्ट वॉच है ना बहुत दिन से सोचे थे कि आपके साथ शेयर करूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा था तो सेम मेरी और उनकी वॉच सेम है लेकिन उन्होंने ब्लैक में मंगाया था और मेरा पिंक है तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होने जा रही हूँ उसकी फिर बाद फिर हम लोग खाने के लिए बैठेंगे और यहाँ पर हम लोग ना खाने के लिए बैठे लेकिन हमको अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि अधयान नहीं था और अधियन को ना बिरयानी इतनी पसंद है ना तो जब भी बिरयानी खाने बैठे और वो नहीं रहना तो हम लोग उसी का आ, डिस्कस करते रहते तो फिर बाद में मैंने सोची चलो हम लोग है ना जो रात को वेब सीरीज़ देख रहे थे ना डिजनी स्टार पर तो वही देखते तो फिर वही हम लोग ने आ, फिर खाना खाते टेम जो उसका एक ही पार्ट बाकी था और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना तो इसलिए हम लोग ने बंद कर दिए थे लेकिन फिर ऐसा हो रहा था कि कब उसका जो है ना लास्ट जो एपिसोड देखे तो फिर फाइनली ये घर पे आए ना तब मैंने फिर लगाया क्योंकि फिर ये नहीं रहते ना तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता देखने के लिए तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम है खाना खाने तक क्योंकि उनको खाना खाने के बाद फ़ौरन जाना था तो फिर हम लोग सोचे चलो खाना खाते टाइम ही देख लेंगे और अध्ययन भी नहीं है ना तो फिर मज़ा भी नहीं आता है तो सोचे चलो टीवी देखते देखते फिर इंजॉय करते हैं अभी अध्ययन आ गए मैं उसको नीचे की थी लाने के लिए और मैं और ये दोनों साथ में ही नीचे उतरे थे वो शॉप के लिए निकल गए और मैं अध्ययन को लेकर घर पर आई तो अध्ययन की बस भी काफ़ी लेट हो गया आज तो फिर इनकी और अध्ययन की मुलाकात नहीं हुई नहीं तो रोज़ ऐसा होता है कि अध्ययन जब घर पर आता है थोड़ा फ्रेश होता है तो ये उन उसके साथ थोड़ी बातें करती है और फिर शॉप के लिए जाते हैं लेकिन आज उनके आने उसके आने के पहले ही ये चले गए तो वे पूछ रहा था कि अब वो आज क्यों चले गए तो फिर मैंने उसको बोली कि तू तो फ्रेश हो जा बेटा मैं पहले तुझे खाने के लिए देती हूँ और साथ में यहाँ पर मैंने जो है ना चाय भी चढ़ाती थी और अध्यन को खाने के लिए भी दे दिया था तो वो उसकी बिरयानी फेवरेट है वो आते के साथ खाने के लिए बैठ गया नहीं तो रोज़ उसको रोज़ मस्का मारना पड़ता है कि अधयन थोड़ा कुछ खा ले लेकिन आज उसको जैसे ही बोला ना कि बिरयानी है तो माशाला से मेरा बच्चा खाने के लिए बैठ गया और फिर मैं अपने लिए यहाँ पर ना चाय बना रही मैंने दोनों के लिए चाय बनाया लेकिन पहले फिर सिर्फ मैं पीऊँगी और अध्यन को फिर मैं उसका हो जाएगा ना तो उसके बाद दूंगी और उसके अभी एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं तो वही सोच रही हूँ कि अब मैं पहले उसका मतलब कुछ खिला दूं और फिर उसके साथ में ना उसको कुछ टाइम के लिए फिर खेलने दो और फिर बाद में मैं उसकी स्टडी लूँगी और यहाँ पर देखो मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में मैंने इतनी सारी शक्कर गिरा दी तो खैर मैं अभी उसको क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद में जो है ना अपनी पहले चाय पीऊँगी मुझे शाम की चाय ना बड़े सुकून से पीने के लिए लगती है तो वही जब तक अध्ययन खाना खा रहा है तब तक मैं अपनी जो है ना चाय पी लूँगी क्योंकि फिर बाद में ना वो उसका एक्टिव खाना हो गया ना तो फिर उसकी ना बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती है कि आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ और मुझे ना चाय बैठकर सुकून से पीने के लिए लगता है तो मैं पहले जो है ना अपने लिए चाय निकालती हूँ ओ और फिर बाद में फिर उसके साथ बातें करने लग जाऊँगी फिर से अपने दोनों पैरों पे इस तरह से चोट लगा कर ले लिए पहले तो उसको इतना दर्द हो रहा था कि ऊपर भी आने से नहीं हो रहा था फिर बाद में पता नहीं उसमें इतना स्टेमिना कहाँ से आ गया एकदम से बोला मम्मी मेरा एकदम अच्छा हो गया आप टेंशन मत लो और आप देख सकते हो कि कितना सारा जो है ना ब्लड निकल रहा था तो मैंने जब वो नीचे गिरा था ना वहीं पर थोड़ा सा क्लीन किया था और फिर अभी अभी घर पर आकर भी अभी मैं उसको साफ़ करती हूँ और अभी मैं उसको वही बोल रही थी कि मुझे पहले पूरा पता कहाँ का लगा है तो एक पैर पर भी थोड़ा सा लगा है और दोनों घुटनों पर भी लगा है अभी मैं उसको बोली हूँ कि पहले तो बेड पर जा और जो है ना ये टी शर्ट भी निकाल क्योंकि इसमें काफ़ी गर्म हो रहा था तो मैंने उसको लेटने के लिए बोला लेकिन उसको है ना कुछ और ही करना था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे इतना सारा लगा है तो मम्मी कल मुझे स्कूल में भेजेंगी या नहीं तो मैंने उसको यही बोली कि बेटा कुछ नहीं थोड़ा सा लगा है मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ फिर उसके बाद मैं तुझे इस पर ना क्रीम लगा दूंगी और फिर तो सुबह तक ठीक हो जाएगा तो फिर तो स्कूल में जा सकता है उसको इतना कितना भी लगा या कुछ बीमार हुआ ना तो उसको सबसे पहले ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे मम्मी घर पे बिठाएंगे क्योंकि उसको स्कूल जाना इतना पसंद है ना तो सबसे पहले वही बोला था कि मम्मी मैं कल स्कूल में नहीं जा पाऊँगा तो मैं बोले नहीं बेटा इंशाल्लाह ना तो कल तक ठीक हो जाएगा तो अभी क्या है ना थोड़ा सा स्किन है ना दोनों तरफ से निकला है तो अभी फिलहाल मैं इसको ना ये जो क्रीम है ना वो लगा रही हूँ क्योंकि उसका जो दर्द है ना वो कम हो जाएगा और फिर कल से है ना मैं उस पर थोड़ा सा ना ऑयल लगाऊंगी ताकि ना वो जल्दी से ना सॉफ्ट होना स्टार्ट हो क्योंकि अगर इसी तरह से ये क्रीम लगाऊंगी तो जो है ना स्किन है ना हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो आज मैं फिलहाल में ये क्रीम लगाती हूँ क्योंकि दर्द काफ़ी रहेगा और क्या है ना साथ में ये थोड़ा सा कॉटन भी लगा रही हूँ क्योंकि वो पैर से ना Uh, हाथ से सॉरी पूरा अपना क्रीम भी साफ़ कर देता है या तो ब्लैंकेट वगैरह ले लेंगा तो उससे ये क्रीम निकल जाएगा तो इसलिए फिर मैं ये जो है ना कॉटन लगा रही हूँ और जहाँ मैंने ये कॉटन लगा लिया ना तो अल्लाह उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे बहुत सारा लग गया है और एकदम से रोने शुरू हो गया कि मम्मी मुझे इतना सारा लगा है कि तुम मुझे इतना सा पट्टी वगैरह कर रही है तो वही मैं उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा तुझे एकदम थोड़ा सा ही लगा है क्या हो रहा बेटा दर्द हो रहा और डॉक्टर पेशेंट मम्मी मम्मी तो पानी पानी से पानी से लिया नहीं निकलेगा बेटा मम्मी ना सुबह में नहाने आने से पहले ना निकाल देंगी और एकदम थोड़ा सा लगेला है तेरे को तुम तो छोटा सा लगेला है वो क्या है ना अभी तेरा बेडशीट का वो सब निकल जाएगा ना बेडशीट को लग जाएगा ना क्रीम क्रीम लगाए ना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉटन लगाई गंदा नहीं होगा फिर ना क्रीम नहीं निकल नहीं तो। निकलेगा क्रीम नहीं निकलेगा अभी कॉटन लगाए ना अपन ने उसमें तो नहीं निकलेगा तो ब्लैंकेट मत ले, ले। तो अभी कितना गर्म हो रहा ना मत लेना ब्लैंकेट ले छठी बचती तो। अभी तो तू बोल रहा था कि गरम हो रहा है इसी लगाओ अभी ठंडी लगती हाँ तो ठीक है थोड़ी देर से निकल गया ना तो चलेगा लेकिन थोड़ा टाइम तो रख हाँ हम्म अभी गरम हो रहा ना अभी मतलब ब्लैंकेट थोड़ा टाइम से लेना ठीक है बहुत गरम हो रहा है अभी सुबह तक ठीक हो जाएगा वो थोड़ा सा लगेला है तू तो स्ट्रांग भी है ना मम्मा बोले बच्चे धक्का दिए तो बववे बववे बच्चे धक्का दिए तो हाँ नहीं देंगे एक बच्चा हाँ। कुछ तो बोर्डो से फटल भी बववे धक्का दिया अच्छा ये, कौन ये सो जाओ कौन धक्का दिया था छोटा तो था या अच्छा नाम ने पता ये सो जा अरे मैं ना टीचर को मैसेज करती कि ध्यान को लगे लग गया है उसको अलग बिठाओ सब बच्चे से ठीक है? नहीं टीचर मैं तो फेल डरते पीछे बैठे तू फेल कर देंगे? हाँ मैं तो बच्चे अभी तो तो बोल रहा बच्चे धक्का देंगे फिर बोलता बच्चे नहीं बच्चे भी चाहिए क्या करूँ मैं बोल अब बस बैठ बेड़, बेटी थोड़ा वे ऑडिट थसोलार्ड तो तू एक काम कर बच्चे धक्का भी नहीं देंगे तू अपने पैर को ऐसा बराबर से ध्यान दे ठीक है हाँ। बच्चों के साथ बैठ लेकिन पैर पे ध्यान दे कि कोई धक्का ना दे ठीक है चलो अभी सो जा दूध पीने का फिर दूध पीने का ना थोड़ा सा दूध पी ले थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक ओके चलो सबको बाय बोलो गुड नाइट बोलो मैं ठीक हो जाऊंगा मतलब सब दुआ करो मेरे लिए बोल मेरा पैर बहुत अच्छा हो जाए बोल इधर देख के बोलो सबको तेरे पैर ठीक हो जाए ऐसा बोल रहा है ना बोल मेरे पैर अच्छे हो जाए जल्दी हो जाए सब दुआ करो बोलना अल्लाह से अल्लाह से सब अबिश हो जाय बाय अल्लाह हाफिज ऑलू बपले इतनी एक्टिंग इतनी जल्दी नहीं लग गई अच्छा उल्लू बना रहा <laughs> मैं सो जाओ कल सुबह में बहुत सारे काम है अपने को स्कूल भी जाने का गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट अल्लाह हाफिज चलो सोने की दुआ पढ़ो ना पढ़ के सुनाओ सबको बेशमुका Beshmukha Aloma Amutu Baya Good night Shabakel Allah soli Chalo. bye bye, bye, bye. <laughs> So ja